नमस्कार, सत्याग्रह.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय दुबे, आप देख रहे हैं तीन सवाल। इसमें आज हम चर्चा करेंगे ईमानदारी के बारे में, एक ऐसी स्टडी के बारे में जो ये बताती है कि किसी देश या समाज में ईमानदारी की मात्रा कितनी है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी अंजलि मिश्रा। अंजलि, ये बताएं कि ये अध्ययन किसने किया, कैसे हुआ ये अध्ययन और इसका परिणाम क्या निकला? एडवांस साइंसेस के लिए काम करने वाली एक अमेरिकी संस्था ने ये अध्ययन किया है और बहुत मज़ेदार सा इसके रिजल्ट्स थे। लेकिन पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे। तो इन्होंने क्या किया कि 40 देशों में इन्होंने करीब 350 से ज़्यादा शहर चुने और उन शहरों में होटल्स में ऑफिसेज में जाके उनके काउंटर्स पे उनके रिसेप्शन पे जाके एक एक वॉलेट दिया और कहा कि ये किसी का खो गया है, आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। उस वॉलेट में क्या था कि उस वॉलेट में कोई वॉलेट खाली था और कोई वॉलेट में थोड़े पैसे थे, किसी में बहुत सारे पैसे थे, किसी में पैसे और चाबी थी। तो और एक एक चीज़ उनमें विजिटिंग कार्ड्स ऐसे कुछ पहचान के लिए रखा गया था जिससे पता चल सके कि ये किसका वॉलेट है, हाँ, या किस तक पहुँचाना है। तो ऐसे करके करीब 17,000 वॉलेट उन्होंने दिए तमाम जगहों पर। और इसमें मज़ेदार ये रहा कि जिन वॉलेट्स में पैसे नहीं थे वो उनके वापस आने की दर बहुत कम रही, लेकिन जिनमें पैसे थे या जिनमें चाबी थी उनको लोगों ने ज़्यादा वापस किया। आपका कहने का मतलब है कि मतलब हमें ऐसा लगता है, सहज बुद्धि ये कहती है कि पैसे वाली चीजों को लोग रख लेते हैं और बिना पैसे वाली चीजों को या बहुत कम पैसे हों उनको वापस कर देंगे जी, है ना, उनको रखने की इच्छा नहीं होती हमारी। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि जिन बटुओं में पैसे ज्यादा थे उनको वापस कर दिया गया और जिनमें चाबियां भी थी। हाँ, जिनमें चाबियां भी थी। तो इसकी कोई वजह भी है इस स्टडी में लिखी? जी, इसकी वजह यही बताई गई कि लोगों को ये लगा कि अगर उन्होंने ज्यादा पैसे वाला बटुआ अपने पास रख लिया तो उन्हें लगा कि नहीं, हम चोर बन जाएंगे। उनके अंतरात्मा ने उन्हें गवारा नहीं किया कि नहीं, हम नहीं ले सकते दूसरों के पैसे, शायद ये वजह रही। पहली वजह ये थी और दूसरी ये थी कि उनको ये सामने वाले का भी ख्याल आया कि नहीं, उसके इतने सारे पैसे खो गए हैं तो वो परेशान हो रहा होगा, या चाबी है तो ये किसी पैसों तो चलो कोई बात नहीं पर चाबी है तो उस तक पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने एक तो दूसरे के बारे में सोचा कि नहीं वो परेशान होगा, इसलिए उसकी चीज वापस कर दें, और एक इसलिए कि नहीं मुझे ये अंदर से कचोटेगा कि मैं चोर बन रहा हूँ, इसलिए वापस कर, इसके लिए शायद ये वजह। अच्छा, एक और छोटी सी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ अंजलि कि अक्सर ईमानदारी या इस तरह की चीजें लोगों की परिस्थितियों और मनस्थिति पे भी डिपेंड करता है कि एक समय हो सकता है कोई आदमी 5,000 रुपए की बेईमानी 5 रुपए की बेईमानी कर ले और एक समय 5,000 की भी बेईमानी ना करे, है ना। तो ये इस अध्ययन पे कितना विश्वास किया जा सकता है जब इस तरह की चीजें हैं होती हैं, तो कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि ये इसमें शामिल लोगों ने ठीक ही वजहों से या परेशान होके या किसी और परिस्थिति में ये पैसे नहीं लौटाए होंगे? जी, क्योंकि 40 अलग अलग देश थे, जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए कि 350 शहर थे, 17,000 से ज्यादा बटुए घुमाए गए। तो अगर मान लीजिए आधे भी बटुए लोगों के वापस आए हैं तो उसका ये मतलब है कि उतनी हजार तरह के परिस्थितियां, उतनी हजार तरह की मनस्थितियां वो उसमें शामिल रही सब चीजों को शामिल कर तो उसमें फिर गलती की गुंजाइश थोड़ा कम हो जाती है कि नहीं। हाँ, आपका कहने का मतलब कि सैंपल साइज क्योंकि बहुत बड़ा था इसलिए गलतियों की गुंजाइश इसमें बहुत कम हो गई। हाँ। मतलब जो स्टडी कहती है वो लगभग ठीक होगा, आपका ये कहना है। अगले इस अध्ययन में भारत को भी शामिल किया गया था, भारत भी 40 देशों में शामिल था। तो भारत की स्थिति इस अध्ययन में क्या थी, मतलब सीधे सीधे अगर मैं पूछूं तो हम कितने ईमानदार हैं और कितने बेईमान हैं? मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसमें टॉप पे जो थे वो यूरोपियन देश थे, मतलब स्विट्जरलैंड टॉप पे था। एक मज़ेदार मुझे चीज़ इसमें याद आई कि हमारे यहाँ क्या होता है, ब्लैक मनी ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में लोग रखते हैं और वो लोग सबसे ज्यादा ईमानदार देश घोषित हुए हैं इस स्टडी के अनुसार। इस स्टडी के मुताबिक स्विट्जरलैंड सबसे ईमानदार है, तो शायद इसीलिए हमारे यहाँ के जो भी बेईमानी वाला पैसा है वो वहां पे रखा जाता है कि वहां उसको कुछ भी नहीं होगा। खैर, तो इंडिया से ऊपर कौन से देश थे, कौन से? ये मैं बताती हूँ, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके और थाईलैंड, ऐसी कंट्रीज इंडिया से ऊपर हैं और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से ऊपर। इंडिया की कौन सी स्थिति, क्या स्थिति है इसमें? इंडिया की स्थिति 30वें नंबर पे है। अगर हम दो तरह से इसको बांटा गया है असल में, एक तो बटुए खाली बटुए लौटाने की दर
और एक पैसों वाले बटुए लौटाने की दर। तो अगर खाली बटुओं के हिसाब से देखें तो भारत 30वें स्थान पे आता है, लेकिन पैसे लौटाने वाले उसमें भारत 26वें स्थान पे आता है। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छी बात है, मतलब हमने भी वही किया जो बाकी देशों ने किया कि हमने पैसे वाले बटुए हमने भी ज्यादा लौटा दिए, हमने भी ज्यादा लौटाए हैं। हाँ, ये ज्यादातर। तो क्या क्या दर थी ये कुछ? इंडिया के मामले में ये खाली बटुए हमने करीब 21% तक लौटाए, भरे हुए हमने 45-46%। मतलब 100 में से 21 लोगों ने लौटा दिए, 100 में से 21 लोगों ने लौटा खाली बटुए जी, और हाँ, और भरे हुए 46% तक लौटाए। ये अच्छा है कि 21 और 46 के बीच का ये जो डिफरेंस है ये हमें थोड़ी खुशी देता है कि हाँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड या यूरोपियन जो भी देश हैं उनमें 80% तक अगर लौटाए हैं तो ऑलमोस्ट वो उतना ही है कि 75 खाली लौटाए तो 80 भरे हुए, उनको ज्यादा। मुझे मैं दो दो, हाँ, दो तरह से इसको देखना चाहता हूँ। एक और ये बताएं कि स्विट्जरलैंड की दर कितनी थी वापस करने की? करीब 80% थी वो, 75 से 80%, और हमारी लगभग 40%, हमारी तो हम आधे हैं, हम आधे हैं। अच्छा। और दूसरी, अगर हम पॉजिटिव निगाह से देखें तो ये है कि हमारे यहाँ हर दो में से लगभग एक आदमी ने बटुआ वापस कर दिया। लेकिन अगर हम पूरे इंटरनेशनल उस हिसाब से देखें तो क्या मतलब हम काफी नीचे आए हैं इसमें, 30वीं हमारी या 26वीं जो भी है, पैसे के साथ 26वीं और बिना पैसे के साथ 30वीं। तो क्या वो जिस समाज में हम रहते हैं, हम इतने नीचे आए हैं, ईमानदारी के इंडेक्स हमारा इतना नीचा है, क्या हमें अपने समाज में भी, आपको या हमें, मतलब किसी तरह से ये कोरोबरेट होता है, हमें लगता है कि हम अपने मित्रों और बाकी लोगों से जिनके साथ रोज व्यवहार करते हैं, हमें लगता है कि हमारे यहाँ ईमानदारी बेईमानी इतनी है? हाँ, शायद अपने एक्सपीरियंस तो इसका जवाब ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा सा देखें, जैसे अभी 4-5 दिन पुरानी ही खबर है कि सिडनी एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के रीजनल डायरेक्टर थे, वो ईस्ट रीजनल डायरेक्टर थे, और उन्होंने शॉपलिफ्टिंग की दुकान से, उन्होंने संयोग से उन्होंने बटुआ ही चुराया। बटुआ खाली बटुआ मतलब दुकान से चुराया, मतलब किसी दूसरे का नहीं। हाँ, कस्टम फ्री बटुआ वहां से उन्होंने उठा लिया, और इसके लिए बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया, जो भी प्रोसेस हुआ, लेकिन छीछा लेदर हो गई इस मामले में भारत की। दूसरा एक एग्जांपल है 2018 का, ममता बनर्जी इवेंट में भाग लेने लंदन गई थी, शायद आपको याद हो। वहां पे पत्रकारों ने कीमती कटलरियां अपनी जेबों में, फाइव स्टार की एक्सपेंसिव जो पर्सेस में भर ली थी, तो चम्मच छुरी कांटे, हाँ, बाद में उन्हें फिर सीसीटीवी फुटेज में आ गया। और तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमारा 30वीं पोजीशन पे आना जस्टिफाइड है, हम ऐसे ही हैं, हमारी हरकतों से जस्टिफाई हो जाता है। अंजलि, हमने अपने पिछले सेगमेंट में बात की कि हमें क्या लगता है कि हम कितने ईमानदार और बेईमान हैं। इस स्टडी से भी ऐसा कुछ सामने आता है कि पता चलता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हमारी असलियत क्या है, ऐसा कुछ है इस स्टडी में भी? ये बहुत ही, मैंने पहले ही कहा था इसीलिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस स्टडी के पहले एक सर्वे किया गया था इन्हीं देशों में जहाँ पे ये स्टडी हुई, कि उनमें लोगों से पूछा गया कि किस तरह के बटुए वापस आएंगे अगर हम ऐसा कोई रिसर्च, ऐसा कोई प्रयोग करें। तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि खाली बटुए तो वापस आ जाएंगे, उनको तो लोग कर देंगे, लेकिन पैसों वाले तो आप भूल जाओ, पैसों वाले तो आपको वापस नहीं मिलने वाले। मतलब ज्यादातर लोगों ने, इंडिया की बात कर रहे हैं या पूरे इंडिया, स्विट्जरलैंड, हर जगह लोगों ने ये सोचा कि पैसे वाले बटुए वापस नहीं आएंगे, बटुए वापस नहीं आएंगे। लेकिन स्टडी, मतलब रिजल्ट जो आया उसमें एकदम ही उल्टा रहा, कई कई जगह तो 20-25% का डिफरेंस रहा। जैसे इंडिया ही है तो 21 और 45-46 का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, दुगने से भी ज्यादा। हाँ, दुगने से भी ज्यादा है। तो मतलब लोग पैसे भरे, मतलब लोग ये कह रहे थे कि पैसों वाले बटुए बिल्कुल वापस नहीं आएंगे, जबकि 46% लोगों ने हिंदुस्तान में भी वो वापस कर दिए, और लोगों का ये कहना था कि बिना पैसे वाले लोग वापस कर देंगे क्योंकि उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो कम लोगों ने वापस किए। वो ये जो बीच का 25% है ये हमें बताता है कि नहीं, दुनिया इतनी बुरी नहीं, मतलब हम सिनिकल ज्यादा हैं दुनिया के बारे में कि लोग बहुत बुरे हैं, लोग ईमानदार नहीं है, लोग बेईमान है, जबकि लोग जैसा हम सोचते हैं उससे ज्यादा अच्छे हैं। आप हम हर व्यक्ति को सोचते हैं, नहीं, भरोसा नहीं करते हम उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि आधे लोगों ने वापस किया, हर दो में से एक आदमी वापस कर रहा है। तो मतलब दुनिया अच्छी है, ईमानदार है, नैतिकता भी बाकी है, इस चीज पे खुश हुआ जा सकता है। मतलब दुनिया अभी भी उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं, हमारा परसेप्शन थोड़ा, हाँ, और इसलिए इतने अच्छे तरीके से चल रही है जैसे हमारे यहाँ ये बात मानी जाती है, बात कही जाती है। धन्यवाद अंजलि।
तो ये था आज का हमारा 3 सवाल। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।